नमस्कार, मैं ज्योति खंडेलवाल, स्वागत है आप सभी का सर्वोदय टीवी पर। पलवल में चल रहे किसानों के धरने पर आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता भी पहुंचे और कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों के धरने पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व हरियाणा से आप प्रभारी सुशील कुमार गुप्ता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। राज्यसभा में बिना बहुमत होने पर भी 3 कृषि कानूनों को ध्वनि मत के साथ पास कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद ने हाल ही में सेंट्रल हॉल में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर नारेबाजी की, लेकिन पीएम ने एक न सुनी और मौन बने रहे। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे पर किसानों के साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के लोगों को बांटना चाहती है। कृषि कानूनों से किसानों को तबाह करने का सिस्टम तैयार किया जा रहा है। लाखों किसान एक महीने से ठंड के मौसम में सड़कों पर रहने को मजबूर हैं और किसानों को अपमानित करने का काम बीजेपी विधायक सांसद व सरकार कर रही है। लगातार किसानों में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये किसान आंदोलन आने वाले दिनों में अपना रंग दिखाएगा और सरकार को झुकना ही होगा। सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। इन किसानों की सेवा करना हमारा धर्म बनता है। केंद्र में बीजेपी की सरकार इस देश के लोगों की बांटने की कोशिश कर रही है। अडानी और अंबानी की बातों में आकर इन्होंने किसान की फसल को गिरवी रखने का, किसान की जमीन को तबाह करने का सिस्टम इन तीनों कानूनों के माध्यम से बना दिया है। एक महीने से लगातार किसान बॉर्डर के ऊपर लाखों लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। 4 डिग्री का टेम्परेचर, रात को खुली छत, खुले आसमान के नीचे, ना नीचे जमीन है, और ऐसी हालात के अंदर किस तरीके से किसान के प्रति अपशब्द ये केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार बीजेपी के एमएलओं, मंत्रियों, सांसदों के माध्यम से कहलवा रही है, इस पर फूट डालने का चेष्टा कर रही है। परंतु ये शांतिपूर्ण आंदोलन अपना रंग दिखाएगा, सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को जायज बातें मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है। ना जेल बनाने के लिए हमने स्टेडियम दिए, ना हमने दिल्ली के अंदर एक सेवादार के रूप के अंदर हम इनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से जो लोग आए हुए हैं, इनकी सेवा करना अन्नदाता के रूप के अंदर हमारा धर्म बनता है। मैं मोदी जी को संसद के अंदर भी हमने 2 दिन पहले आमने सामने खड़े होकर कहा था कि आप इन किसानों की बात को सुने, MSP की गारंटी का प्रावधान करें, इन तीनों कानूनों को वापिस लें और देश के अन्नदाता को सम्मान अपने घर के अंदर भेजें। परंतु मोदी जी 2-3 मिनट के अंदर ही वहां से निकल गए और वो बात सुन के भी अनसुना कर गए। ऐसे हालात के अंदर देश का प्रधानमंत्री जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर जाके कॉरपोरेशन के चुनाव में भाग लेने के पास समय है, परंतु देश के लाखों किसान बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के अंदर बैठे हुए, उनसे बात करने का समय नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वो तो कहते हैं कि ये किसान नहीं, विपक्ष वाले लोग हैं, विपक्ष के किसान हैं, इस तरह से देखिए किसान मानने के लिए तैयार नहीं। अगर वो अपना चश्मा हटा के देखेंगे तो इनको किसान नजर आएंगे, अन्नदाता नजर आएंगे, देश का जो मेहनत का इंसान नजर आएगा। परंतु आज उनको ये आतंकवादी नजर आते हैं, आज इनको पाकिस्तान से रिलेशन नजर आते हैं, आज उनको चाइना से रिलेशन नजर आते हैं। जब इनको गद्दी पे बैठाया था तो ये अन्नदाता था। ये पहली मीटिंग रेवाड़ी के अंदर की थी हरियाणा में, जहाँ कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा। आज 6 साल प्रधानमंत्री बने होंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति के अंदर कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते। तो किसानों को आतंकवादी कह के या ऐसे शब्द बोलकर, खालिस्तानी बोल के इनका अपमान ना कर।